हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड थ्रिलर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है बुलबुल, जिसे डायरेक्ट किया है अन्विता दत्त ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी की स्टोरी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी से स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 5 साल की लड़की, जिसका नाम बुलबुल है, उसे दिखाया जाता है, जो पेड़ की डाल पर बैठी होती है और उसने एक शादी का जोड़ा पहना हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं उसकी शादी एक बड़ी उम्र के अमीर ठाकुर से करवाई जा रही है। हमें देखने में से ऐसा लगता है कि ये शादी ठाकुर के छोटे भाई सत्या से हो रही है, जो उसी की एज का है। बड़े ठाकुर का एक जुड़वा भाई भी होता है, जिसका नाम महेंद्र है। वो मानसिक रूप से बीमार है। शादी होने के बाद बुलबुल सत्या के साथ पालकी में होती है। सेम उम्र की वजह से बुलबुल और सत्या के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सत्या बुलबुल को हमेशा चुड़ैल की कहानी सुनाया करता था। इसके बाद हम देखते हैं बुलबुल का जब गृह प्रवेश होता है और वो अपने कमरे में होती है, तब ठाकुर का छोटा भाई महेंद्र वहाँ पर आ जाता है और बुलबुल को छूने लगता है। तभी पीछे से बड़े ठाकुर आ जाते हैं और वो महेंद्र की पत्नी से उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। बुलबुल बड़े ठाकुर से पूछती है वो कहाँ है जिससे उसकी शादी हुई थी। ठाकुर कहता है तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब सब कुछ समझ जाओगी। कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है और हम सत्या को देखते हैं, जो बड़ा हो चुका है। वो बाहर पढ़ाई कर रहा था, अब वो घर पर वापस आ रहा है। वापस आकर उसे पता चलता है ठाकुर के जुड़वा भाई महेंद्र का मर्डर हो चुका है और वहाँ के रीति रिवाज के कारण महेंद्र की वाइफ को वहाँ से निकाल दिया जाता है और ये विधवा के रूप में अपना जीवन काट रही है। इस मर्डर के पीछे महेंद्र की वाइफ को चुड़ैल का हाथ लगता है। सत्या अपने भाई महेंद्र की वाइफ को घर पर वापस लेकर आता है और महेंद्र के मर्डर की छानबीन में लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक से हमें पता चलता है महेंद्र की वाइफ को बुलबुल का बड़े ठाकुर के साथ फिजिकल होना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम फिर से बुलबुल और सत्या को देखते हैं। सत्या बुलबुल से कहता है आप बहुत बदल गई हो, कहाँ गई वो पहले वाली बुलबुल। बुलबुल कहती है मैं उसे खा गई। सत्या को एक बात और खटकती है, उस गांव का एक डॉक्टर सुदीप रोजाना बुलबुल के पैरों का चेकअप करने के लिए आता है और बुलबुल सुदीप के साथ काफ़ी फ्रैंक होकर बात करती है। सत्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुदीप के जाने के बाद सत्या बुलबुल से कहता है ये सब क्या है, आपने उसे पर्दा भी नहीं किया। ये सुनकर बुलबुल मुस्कुरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं सत्या कुछ आदमियों को लेकर जंगल की तरफ चुड़ैल की खोज में जाता है और इस दौरान उनका एक आदमी मारा जाता है। यहाँ सत्या को क्लियर हो जाता है इन मर्डर्स के पीछे किसी चुड़ैल का हाथ नहीं है, कोई इंसान है जो ये मर्डर्स कर रहा है। उस आदमी की मौत की खबर सुनने के बाद बुलबुल सत्या से कहती है वो आदमी अपनी वाइफ को बहुत मारता था, उसे उस आदमी की मौत का कोई दुख नहीं है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ एक बगीचे में हम बुलबुल और सत्या बड़े ठाकुर और महेंद्र की वाइफ को देखते हैं, जहाँ पर महेंद्र की वाइफ बुलबुल और सत्या की नज़दीकियों के बारे में बड़े ठाकुर को बताने लगती है, लेकिन बड़े ठाकुर उसे इग्नोर करते हैं और बुलबुल को पान खिलाते हैं और उसका झूठा पान खुद खा लेते हैं, जिसे देखकर महेंद्र की वाइफ को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो सत्या की शादी कराने के लिए कहती है, जिसे सुनकर बुलबुल थोड़ा अपसेट हो जाती है। बुलबुल ये बात सत्या को बताती है, लेकिन सत्या कहता है वो शादी नहीं करेगा, जिंदगी भर सन्यासी बनकर रहेगा। इस बात पर दोनों खूब हंसने लगते हैं। फिर बड़े ठाकुर सत्य को पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज देते हैं, इस तरह से वो बुलबुल से भी दूर रहेगा। इस बात को सुनकर बुलबुल दुखी हो जाती है, लेकिन सत्या खुश होता है कि वो लंदन जा रहा है। सत्या के लंदन जाने के बाद महेंद्र की वाइफ बड़े ठाकुर को फिर से भड़काने में लग जाती है। वो कहती है सत्या के जाने के गम में बुलबुल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई है। इसके बाद बड़े ठाकुर अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं बुलबुल ने सत्या और अपने नाम को लिखकर उस पेपर को जला दिया है। उन दोनों का नाम एक साथ देखकर बड़े ठाकुर को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आने के बाद बुलबुल के पैरों को लोहे की रॉड से पीटते हैं। इसके बाद डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है, वो उसके पैरों से लोहे के टुकड़े निकालकर स्ट्रेचेस लगाता है और किसी को भी बुलबुल के पैरों को छूने से मना करता है। बड़े ठाकुर सुदीप से कहते हैं बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन सुदीप को पता होता है कि बुलबुल के पैरों के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर है। बुलबुल को उसी हालत में छोड़कर बड़े ठाकुर उस गाँव से बाहर चले जाते हैं। बुलबुल अब सिर्फ रेंग सकती थी, अपने पैरों को देखकर वो काफ़ी रोती है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और एक पुलिस वाला आकर सत्या को बताता है हमें एक और लाश मिली है। अगले सीन में हम देखते हैं सुदीप और बुलबुल एक साथ हैं और सत्या उन्हें दूर से देख रहा था। सत्या बुलबुल को बड़े ठाकुर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है,
उसे ऐसा लगता है गलती बुलबुल की होगी, जिस वजह से वो घर छोड़कर चले गए। और किसी अनजान व्यक्ति का घर के अंदर आना किसी भी पति को पसंद नहीं आएगा, वो सुदीप की बात कर रहा था। इसलिए बुलबुल को गिले शिकवे दूर करके बड़े ठाकुर को मनाना चाहिए। उसे ऐसा लगता है उसके लंदन जाने के बाद बुलबुल अकेली हो गई थी, जिसका फायदा सुदीप ने उठाया। ये सारी बातें सुनकर बुलबुल बहुत हंसती है और कहती है, सत्या भी बाकी मर्दों की तरह निकला। मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं बुलबुल की हालत तो खराब ही थी, और इसका फायदा उठाकर महेंद्र उसका रेप करता है। बुलबुल का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। डर की वजह से महेंद्र उसे वहीं छोड़कर कमरे से निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किसी शक्ति ने बुलबुल को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन उसके पैर हमेशा के लिए उल्टे हो गए। महेंद्र की वाइफ को समझ आ जाता है कि उसका पति क्या करके आया है। इसके बाद हम देखते हैं महेंद्र की वाइफ बुलबुल से कहती है, हवेलियों के बहुत से राज होते हैं जो हमें किसी को बताने नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है वो बुलबुल से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में सुदीप वहाँ पर आता है। वो कहता है उसने मना किया था, कोई भी बुलबुल के पैरों को नहीं छुएगा। फिर उसकी नज़र बुलबुल के टांगों के बीच में पड़ती है जहाँ से ब्लड आ रहा था। वो समझ जाता है उसके साथ रेप हुआ है। इसके बाद वो बुलबुल से उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन बुलबुल सुदीप से जाने के लिए कहती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सत्या को लगता है इन हत्याओं के पीछे सुदीप का हाथ है। इसी शक की वजह से वो सुदीप को अपने साथ कोलकाता लेकर जा रहा होता है, लेकिन उस बग्गी के ड्राइवर की भी मौत हो जाती है, जिससे सत्या को रियलाइज होता है सुदीप निर्दोष है। तभी उसे वहाँ एक चुड़ैल दिखती है। वो चुड़ैल को गोली मार देता है जिससे वो घायल हो जाती है। वो जैसे ही बग्गी से आगे की तरफ भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उसे चुड़ैल के रूप में देखता है। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुदीप बुलबुल के पैरों को सीधा कर रहा था और वो अपने आप उल्टे हो जाते थे। वो अब पहले वाली बुलबुल नहीं थी, और हमें पता चलता है बुलबुल ही इन लोगों को मार रही थी जो लोग बच्चों का शोषण कर रहे थे, अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहे थे और लड़कियों का रेप करके उनका फायदा उठाते हैं। और उसने महेंद्र को भी मारकर अपना बदला ले लिया था। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और सत्या अनजाने में जंगल में आग लगा देता है। जब सुदीप बुलबुल के लिए चिल्लाता है तब सत्या को पता लगता है बुलबुल ही चुड़ैल है। उसे अब रियलाइज होता है, तब वो रोने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बुलबुल भागने की कोशिश कर रही थी, वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है और चारों तरफ आग लग जाती है जिसे वो देखती रहती है, और सीन यहीं पर कट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सत्या अपने भाई को लेटर लिखता है कि उसे आज अफसोस हो रहा है कि वो उनका भाई है और वो कभी भी अपने भाइयों की तरह नहीं बनना चाहता, और वो हवेली इसलिए छोड़कर जा रहा है, उसे लगता है अगर वो यहाँ रहेगा तो बिल्कुल अपने भाइयों की तरह बन जाएगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं बड़े ठाकुर वीरान पड़ी हवेली में वापस आते हैं, और जब वो रात में सो रहा होता है तब कोई उसे बुलाता है। जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर बुलबुल होती है जो राख से निकल रही थी, और वो स्माइल कर रही होती है, और वो अपनी स्माइल से बताती है कि वो बड़े ठाकुर से बदला लेने वाली है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।